हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ट्रांसमिशन की, और यहाँ पर अभी बोलिंग जन बैंक का जो है चार्ट इंडिकेटर लगाया है। तो इसके अंदर भी अगर देखें तो एक मजबूती दिख रही है, लेकिन ऊपर में अगर देखें तो एक नैरो रेंज में ये भी फंसा हुआ लग रहा है। और ये अगर देखें तो कहाँ पर जा सकता है वो भी हम बात चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। यहाँ पर अभी इसका प्राइस अगर देखें तो 816 रुपये है, 10 रुपये के आसपास की आज करेक्शन रही। बोलिंगजन बैंक के अंदर ऊपर देखें तो ये इसकी मिडिल लाइन जो कि 884 रुपये है, उसी के थोड़ा सा ऊपर जो है इसने आज एक हाई बनाया, वहाँ से थोड़ी सी इसके अंदर अभी गिरावट रही। तो यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया है। साथ ही साथ हमने बोला था कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो गिरावट थी उसका जो अगर 50% आप गिनोगे तो वो तकरीबन 855 रुपये के से लेकर 850 का जो है जोन है वहाँ पर है। अब प्राइस जो है आज उसी के आसपास जो है इसने रजिस्टर लिया। ये मैंने बोला भी था कि 850 के आसपास इसको एक रजिस्टर फेस करना पड़ सकता है। हालांकि आज ओपन ही वहाँ पर हुआ और बिल्कुल वहीं से जो है इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट भी रही, लेकिन वॉल्यूम अच्छा था। अगर यहाँ पर अभी देखें तो फंडामेंटल इसके जो है थोड़े से अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। साथ ही साथ अभी इसके अंदर देखें तो ये अगर इसका ये ट्रायंगल एक पैटर्न भी यहाँ पर जो है बना हुआ है। आज ही अगर देखें तो ट्रायंगल पैटर्न बना। अब यहाँ पर देखें तो जैसे जैसे आगे दिन बढ़ते जाएगा ये सिकुड़ता जा रहा है, या तो ऊपर या तो नीचे, दोनों का ही संकेत जो है यहाँ पर दिख रहे हैं। और यहाँ पर क्लियरली जिस भी तरफ ये तोड़ेगा तो इसके अंदर एक ज़्यादा मतलब कि उस तरीके 50-70 रुपये जो है ज़्यादा या ऊपर नीचे ये हो सकता है। और अभी फिलहाल इसका जो 21 दिनों का मूविंग एवरेज और 850 का जो जोन है वहाँ पर 50% का रिट्रेसमेंट भी है। अगर ये इसको पार करता है तो जो है ये 900 तक सबसे पहले जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये अच्छी चीज़ रहेगी अगर ये यहाँ तक जाए। और उसके बाद जो है इसका दूसरा रजिस्टर ये है जो कि यहाँ पर इसने अपना हाई बनाया था 920-925 के आसपास का। तो सबसे पहले तो आप ये बात नोट कर लीजिए। और यहाँ पर नीचे में जो सपोर्ट दिख रहा है वो 780 के करीब, और इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। उसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के वॉल्यूम कितना रहा, और आज का कारोबार की अगर बात करें तो तकरीबन 10 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। तो डिलीवरी इसके अंदर अगर देखें तो डेली अच्छी खासी उठ रही है, ये अच्छी बात है। साथ ही साथ ये कल की एक न्यूज़ थी पूरे ग्रुप के ऊपर, और शायद आपको इसके बारे में पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि यहाँ पर न्यूज़ थी कि इन पूरे ग्रुप ने अगर देखे तो अदानी ग्रुप ने 21,900 करोड़ का कर्जा जो है पहले से इसका भुगतान कर दिया। जो लोन थी वो प्री पे किए थी, तो ये अच्छी बात रही इसके साथ। और इसका रीज़न है कि ये इसके जरिए निवेशकों का भरोसा वापस जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने कर्ज के जो बोझ है उसको भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, इससे जो है इसका ब्याज बचेगा, इसका खर्चा जो है वो थोड़ा सा कम होगा, तो इससे इसके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं। और ये 15 मिनट का चार्ट जब हम देखते हैं कि इसके अंदर सवेरे भी हमने बोला था कि ये कल का दिन और ये आज का दिन है, तो कल के दिन की अगर बात करें तो नीचे से ये ऊपर गया था, फिर ऊपर में जो है ये इसने क्लोजिंग दी थी। आज बिल्कुल इसका उल्टा हुआ, ऊपर से नीचे आया ये, और नीचे में थोड़ा सा यहाँ पर इसने जो है क्लोजिंग दी, लेकिन ज़्यादा नीचे क्लोजिंग नहीं थी, सिर्फ 11 रुपये के आसपास, मतलब कि 25% ही थी और इसके अंदर करेक्शन था। और ये वीकली चार्ट भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, और इसके अंदर भी अगर देखें तो एक यहाँ पर ये बेरिश हैमर का एक कैंडल बना है, और ये उसी का असर था कि ये टेक्निकली लेवल भी अगर देखें तो ये नीचे आया। अब यहाँ पर मैंने कल भी बोला था कि अब जब ये जैसे कि ये लोअर लो यहाँ पर बन रहा है, लोअर हाई यहाँ पर बन रहा है, और ये जो मंदी का ये एक चैनल सा बना हुआ है, इसका तोड़ जो है सबसे पहले तो अगर ये इस पिछले सप्ताह के ये इस हाई को ये तोड़कर पहले तो ऊपर निकलेगा, भले ही वहाँ पर टिके या न टिके, लेकिन एक दिन भी अगर वहाँ पर ऊपर निकले तो ये एक पहला संकेत होगा इसके अंदर तेज़ी का कि यहाँ इसके अंदर अब स्ट्रेंथ जो है बन रही है। तो ये जो लेवल है तकरीबन 850 से लेकर 860 का जोन है, तो वहीं फिर से वही लेवल है, और ये काफ़ी अब जो है थोड़ा सा छोटा सा रजिस्टर है, इसको पार कर सकता है ये, लेकिन अगर ये इसको पार करता है तो इसके अंदर जो है फिर तेज़ी जो है फर्दर भी बढ़ सकती है। जैसे कि मैंने बोला फिर ये 900 रुपये से लेकर 925 रुपये तक भी जा सकता है, तो सबसे पहले तो इसी को जो है पार करना ज़रूरी है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि 5 वीक का मूविंग एवरेज भी ज़रा देखिए, सबके सब मूविंग एवरेज 50% का रिट्रेसमेंट, वो सभी के सभी जो है अभी ये शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक हफ्ते की बात। तो ये एक जोन है, एक छोटा सा जो है अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही भी हम देखेंगे, ये फिर से इसका ट्रायंगल से इसको आप अच्छे से जो है नोट भी कर सकते हैं। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं, तो अभी 816 का प्राइस है। सबसे पहला इसका सपोर्ट देखे तो ऑब्वियसली 800 रुपये का जोन, उसके बाद देखे तो 780, और उसके नीचे अगर देखे तो 765 रुपये के आसपास का जो है एक जोन है। तीनों के तीनों यहाँ पर सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टेंट की अगर बात करें तो ऊपरी लेवल के ऊपर सबसे पहला रजिस्टेंट 850, उसके बाद देखे तो एक 880 रुपये का लेवल है, और उसके बाद अभी देखे तो 900 रुपये का लेवल। एक से दो दिन में अगर देखे तो यही तीनों जो है अभी रजिस्टेंट दिख रहे हैं, क्योंकि 5% की एक लिमिटेशन है यहाँ पर। और अभी फिलहाल कल के दिन की अगर बात करें तो यहीं जो है कल एक कंसोलिडेशन यहाँ पर लग रहा है। ये जो ट्राइंगल शेप है यहाँ पर इसी एक नैरो रेंज में कल के दिन भी जो है ये काम कर सकता है, मतलब कि आज का जो ये हाई और लो है उसी के बीच जो है ये काम कर सकता है, ऐसा लग रहा है। और अच्छी बात रहेगी अगर तेज़ी इसके अंदर देखने को मिले, लेकिन फिलहाल क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम जो है अच्छा खासा, इसके अंदर डिलीवरी अच्छी खासी उठ रही है, तो नीचे में अगर देखें तो यहाँ पर अगर देखें अच्छा खासा सपोर्ट था, और यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग भी आई, उसके बाद तेज़ी भी आई, लेकिन अब 850 के ऊपर जो है अभी ये रुक रहा है। तो कहीं ना कहीं कल भी इसके अंदर एक नैरो रेंज में एक ट्रेड होता हुआ दिख सकता है। और ये अच्छा भी है कि थोड़ा बहुत इसके अंदर कंसोलिडेशन हो, उसके बाद इसके अंदर जो है कोई मूवमेंट आए, तेज़ी या
देगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल इसके ऊपर फिर से हम अपडेट लाएंगे तो वो वीडियो आप जरूर देखना, और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, इसके ऊपर डेली अपडेट लाते रहते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।